खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र अंबेडकर चौक और शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया। जवानों के साथ कई वाहनों को बिना मास्क और हेलमेट पाए जाने पर चालान काटने के साथ हिदायत भी दिया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान रतन कुमार सिंह ने कहा कि मोटरसाइकिल चालक के पास मास्क और हेलमेट होनी चाहिए और साथ में ये भी कहा कि मोटरसाइकिल ऊपर अधिक सवारी पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे। बताते चले कि दो पहिए वाहनों को बिना मास्क हेलमेट और इंश्योरेंस पेपर को लेकर चालान काटते हुए रतन कुमार सिंह ने कहा कि जिले से आए हुए लोगों से और गिरिडीह शहरी क्षेत्रों से लगभग 80,000 चालान काटी गई है। गिरिडीह में 4 जगहों पर चालान काटे जा रही है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर थाना के SI गौरी शंकर प्रसाद कई जवानों के साथ अपनी ड्यूटी पर कर्तव्यरत हैं। हाँ, ये अभियान जो है मास्क का और हेलमेट वगैरह का चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है और गिरिडीह में भी अभी हम लोग 3-4 जगह लगाए हैं चेकिंग। और अभी हम लोग मतलब जिला से भी आया और यहाँ से भी फाइन कटा है, लगभग 80,000 का फाइन काटे हैं, बिना हेलमेट का, बिना इंश्योरेंस का और किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसका। तो इस प्रकार से गिरिडीह से संजय कुमार की रिपोर्ट।